नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको अपने आधार नंबर का फोटो, नेम या डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर ये सारी चीज़ अगर आपको चेंज करना है तो आप घर बैठे ऑनलाइन आप अपने आधार कार्ड का आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सारी चीज़ कैसे चेंज कर सकते हैं मैंने आपको इस वीडियो में पूरा लाइव प्रोसेस करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस वीडियो की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दें। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि फ्रेंड्स जितने भी मेरे नए नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इस पेज पे आ जाना है। मैं इस पेज का लिंक जो है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको अपने आधार कार्ड में अगर नेम चेंज करना हो या डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हो या जेंडर, एड्रेस या लैंग्वेज, तो यहाँ पे जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करके बताने वाला हूँ कि अगर आपके आधार कार्ड में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर आपका गलत लिखा हुआ है तो उसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके लिए यहाँ पर देख रहे हैं लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपको नेम और फोटो अगर आपको चेंज कराना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपको एड्रेस अगर चेंज करना है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अगर चेंज करना है तो यहाँ पे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड दूंगा, यहाँ देख रहे पैन कार्ड का रिक्वायरमेंट रहेगा अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आपको प्रूफ ऑफ रिलेशन दिखाना है, जैसे कि क्या होता है कि जब कोई लड़की की शादी हो जाती है तो उसके बाद जो है उसका रिलेशन चेंज हो जाता है, उसके फादर की जगह पर जो है उनका हस्बैंड का नाम होता है, तो उसको भी चेंज करने के लिए जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट इशू बाय द गवर्नमेंट लिखा गया है और भी बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, आप उसको वन बाय वन करके रीड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली मैं ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर मेंशन करना है और यहाँ पे एक कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद जो है आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आधार कार्ड के साथ में लिंक, उस पे जो है एक ओटीपी आया होगा, आपको उस ओटीपी को जो है यहाँ फिल करना पड़ेगा। चलिए उस ओटीपी को यहाँ फिल कर दीजिए। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ओटीपी फिल कर दिया है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके पास में यहाँ अपडेट डेमोग्राफिक्स का डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको जो है चूज़ करना पड़ेगा कि आप क्या अपडेट करना चाहते हैं। उसके लिए जो है यहाँ पे आपको अपडेट डेमोग्राफिक डाटा पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं लैंग्वेज चेंज करना है तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ पे नेम आप दो ही बार चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका मेल की जगह फीमेल हो गया है तो जेंडर को भी जो है आप चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस को भी कर सकते हैं और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ को चेंज करूँगा, तो मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो है मैं प्रोसीड के बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर जो है कुछ टर्म एंड कंडीशन है डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए, तो ये आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का जो है पेमेंट करना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पे 50 रुपीज़ का नॉन रिफंडेबल पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे टिक आउट कर लेना है इस बॉक्स में, फिर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको आप कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद जो है आपको प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रीव्यू के बटन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आपका न्यू डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखा गया है, प्लस यहाँ पे जो है आपको ये कैप्चा यहाँ फिल करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही सेंड ओटीपी पे आप क्लिक कीजिएगा, आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर फिर से ओटीपी गया होगा, आपको उस ओटीपी को जो है यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं मैंने ओटीपी फिल कर दिया है। उसके बाद आपको इस बॉक्स में टिक आउट कर लेना है और फिर फाइनली जो है मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे जो है पेमेंट का गेटवे ओपन होके आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे पेमेंट गेटवे ओपन होके आ चुका है। तो आपको जिसके थ्रू पेमेंट करना है, यहाँ पे कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, वैलेट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पेटीएम के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो वो आपको चूज़ करना है कि आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू करूँगा। तो यहाँ से आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी आप बैंक सेलेक्ट करेंगे उसका नेट बैंकिंग का पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो है आपको अपने
इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेना है, उसके बाद जो है आपका पेमेंट का प्रोसेस होगा। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा आपके पास में कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ₹50 मुझे पेमेंट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे रिमार्क्स लिखना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे रिमार्क्स लिख देता हूँ। देन उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे OTP यहाँ पे लिखा गया है। आपका जो भी बैंक के साथ में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आया होगा, आपको उस OTP को यहाँ फिल करना पड़ेगा। चलिए मैं उस OTP को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे देख रहे पे का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे पे के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका जो भी ऑथेंटिकेशन का स्टेप है आपको उसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है मैं अपना ऑथेंटिकेशन का स्टेप कंप्लीट कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं मैंने ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद पे के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पे के बटन पर क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पर योर पेमेंट इज सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। अब ये जो है आपका ऑटोमेटिक यहाँ से आपका पेमेंट का गेटवे में चला जाएगा, यानी कि सक्सेसफुल पेमेंट में आपका चला जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे पेयू बीच के थ्रू यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। और अगर आपको इसके स्लिप को डाउनलोड करना है तो आप जो है इसके स्लिप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे में देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड करेंगे आप देख रहे हैं नीचे मेरा PDF डाउनलोड हो चुका है। तो मैं इसको अब मैं आपको ओपन करके दिखाने वाला हूँ। आप देख रहे हैं मैंने अपना एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप है मुझे मिल चुका है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे आपका आधार नंबर, आधार अपडेट रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे दिया रहेगा, इनवॉइस नंबर लिखा रहेगा, कितना का पेमेंट किया वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इसी प्रकार से अगर आपके आधार कार्ड में अगर आपको नेम या मोबाइल नंबर या एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो आप इसी प्रकार से घर बैठे चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम आता हो तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूले, ताकि फ्रेंड जिन लोगों को नहीं पता है कि वो अपने आधार में खुद से अपडेट कैसे कर सके उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।